अगर आप बजाज चेतक इलेक्ट्रिक लेने की सोच रहे हैं और पर इस वजह से पीछे हट रहे हैं कि यार आपके घर में भी ज़्यादातर घरों की तरह अर्थिंग नहीं है, और तो इसको चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि इसको जो है अर्थिंग चाहिए। बाकी जो सारे स्कूटर्स अभी तक मैंने टेस्ट करे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बेसिकली ओला टेस्ट करा है और आपका ओकिनावा OK90, वो अपने 2 पिन वाले पे आराम से हो जाते हैं। इसको भाई साहब प्रॉपर अर्थिंग चाहिए, जो कि उसूलन हर घर में होनी चाहिए। अब पर नहीं है तो अब क्या करेंगे, बेहतरीन वाला आपको ऑलमोस्ट फ्री वाला जुगाड़ बताता हूँ। आपको चाहिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें, बिजली का तार ले लिए, और ये इससे पतला भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ आपको बस अर्थिंग के लिए इससे पतला भी चलेगा, और ये नहीं है कि आप बहुत मोटा ले, वो तो अंदर जा ही नहीं पाएगा। खैर आपको बताता हूँ, तो एक बिजली का तार, ठीक है, और एक मोटी कील, जितनी बड़ी हो मतलब जितनी लंबी हो, मोटी हो उतनी अच्छी है। क्यों वो दिखाता हूँ आपको। ये तार मैंने यहाँ से ले जाके, आपको क्या करना है, और आपको एक हथौड़ा चाहिए या सिलबट्टा चाहिए या फिर एक ईंट भी काम करेगी, आपको उसको पूरा अंदर गाड़ देना है। तार लूज नहीं रहना चाहिए और पूरा अंदर गाड़ देना, ये नहीं थोड़ा सा गाड़ के ऊपर छोड़ दिया, नहीं पूरा अंदर गाड़ दिए और तार बिल्कुल भी लूज ना हो, ठीक है। दूसरा सिरा आपको क्या करना है, और हाँ जब आप ये गाड़ रहे हो तो प्लग में से ये निकला हुआ हो, सॉकेट में से प्लग निकला हो, ठीक है, तो ये बाहर है, समझ लिए। अब आपने क्या करेंगे, जो ऊपर वाली पिन है उसके अंदर दूसरे सिरे को तार जो है वो लगा देंगे, और इस बात का ख्याल रखना है ऊपर से ऐसे लगाइएगा नीचे वाली पिन्स में वो टच ना हो जाए, ठीक है। ऊपर आपने उसको लगा दिया तो आप देखेंगे कि पिन के अंदर बेसिकली थोड़ा सा एक तरह का खाँचा बना होगा, ठीक है, जगह होगी, उसके अंदर फंसा के उसको थोड़ा सा रोल करके अंदर घुसा दिए। ऑन करेंगे, यहाँ पर ये हरी बत्ती जल जाएगी, इसके नीचे लाल वाली है वो दिखा रहा है फॉल्ट, हरी बत्ती के आगे लिखा हुआ है ओके, यानी कि आपका स्कूटर अब चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो वायर बिजली आपको ये इतनी लंबी ऑफ कोर्स ले लिए कि जहाँ आपका चार्जिंग पॉइंट है वहाँ से जो ग्राउंड है वो कितनी दूर पर है, ठीक है। और तो आप इनफैक्ट यार ये तो आप कैरी भी कर सकते हो, आप इसकी डिग्गी के अंदर तार और आपका बड़ी कील और हथौड़ी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। एग्जॉस्टिव रिव्यू जो है इसका बहुत जल्द आएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होती है आपसे एक और नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।